कर्षक गति या प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जानते हैं कि उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, जहां u इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हम वर्टिकली फेंकेंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो इट बिकेम 2u अपॉन g। अब यहां से एक मजेदार प्रयोग हम कर सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु को अगर वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता कर सकते हैं, u इज इक्वल टू 2 t इनटू g अपॉन 2। g के प्लेस पर 9.8 रखेंगे तो ये होगा t इनटू 4.9, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू 4.9। अब हम देखते हैं दो बार गेंद को ऊंचाई पर फेंक कर वर्टिकली कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। हम पहली बार बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं और हमारे पास में हमारी स्टॉपवॉच भी रेडी है। अब देखिए हम फर्स्ट टाइम बॉल फेंकेंगे और आप टाइम बताएंगे। यस फेंकिए। टाइम वन सेकेंड। आप दूसरी बार बॉल फेंकेंगे, फेंकिए। टाइम टू सेकेंड। आइए देखते हैं, अगर हम यहां वन सेकेंड रखेंगे तो इट इज टी के प्लेस पर वन रखा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4.9 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम टी के प्लेस पर टू सेकेंड रखेंगे जैसा कि अप्रोक्सीमेट टाइम आया था तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दूसरी बार हमने देखा भी था कि ये ज्यादा ऊंचाई पर गई थी तो वहां वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड था और पहली बार जो वेलोसिटी थी वो थी 4.9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दूसरी बार जो वेलोसिटी थी वो पहली बार की वेलोसिटी की दोगुनी थी। इस प्रकार आप आसानी से इनिशियल वेलोसिटी का पता कर सकते हैं। थैंक यू।